अल्लाह एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग कैसे हैं आप सब होप आप सब ठीक ठाक हैं और अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से और रैंडमली मैं पूरे दिन को कवर करने की कोशिश करूँगी क्योंकि आज का व्लॉग है अ रैंडम डे व्लॉग ओके और यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस व्लॉग में डोनट्स का आपके साथ अपना एक्सपेरिमेंट शेयर किया था ना कि ये वो लेफ्ट ऑवरस हैं जो यहाँ मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ मम्मा के साथ और साथ में मैंने ले ली है चाय ब्रेकफास्ट करने के फौरन बाद मुझे सफाइयाँ करनी थी क्योंकि अभी भी सब लोग उठे नहीं थे तो फिर जब सब उठ जाएंगे ना तो फिर फुटप्रिंट्स पड़ते रहेंगे जगह जगह वो अच्छे नहीं लगते तो यहाँ पर मैं सर्फ डालकर अच्छे अच्छी तरह से फ़र्श को वॉश कर रही हूँ क्योंकि मुझसे थोड़ा सा ना चॉकलेट ग्लेस गिर गया था डोनट्स पर दोबारा से डालते हुए और वहाँ से मैंने वीडियो को म्यूट किया है अगर मैं आपको सुना देती तो बहुत ही फ़नी था जब मैं नाश्ता ला रखा मैंने वो डोनट्स जब ममा ने खाए ना तो उन्होंने कहा दोबारा ऊपर से डालकर लाइ हुए ग्लेव और शी साउंड सो फनी एंड क्यूट तो मैंने वहाँ से उसको व्यूट, म्यूट कर दिया है फॉर ऑब्वियस रीजंस लेकिन वो यहाँ पर मुझे गिर भी गया था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही लिक्विड ही था फ़र्श को वॉश करके मैंने उसके बाद उसको ड्राई कर दिया पेडेस्ट्रॉल ऑन कर दिया था और इतनी सर्दी हो रही थी कि मैं तो खुद साइड पर हो गई और जब फर्श ड्राई हो गया ना तो ये ब्लैक आकर यहाँ पर लेट गया ठंडे फर्श को इन्जॉय करने के लिए और ये अपना यहाँ पर माहौल बनाकर बैठ जाएगा और अटेंशन लेने की कोशिश करेगा अब तो पहर में जाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना था लेकिन फिजी और ब्लैकी के लंच का टाइम था तो मैं उनके लिए ज़रा खाना डाल के यहाँ पर रख जाऊँ वरना वो इतना ऊँचा ऊंचा शोर करते हैं कि आपको नींद आए भी हो ना तो नींद उखड़ जाती है आपकी और इसके बाद मुझे खाने के लिए प्लान करना है जिसके लिए अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया बस सब कह रहे हैं कि चिकन बनाओ चिकन बनाओ चिकन में क्या बनाओ कुछ आइडिया नहीं है सो so, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी करने लगी हूं मैं थोड़े से साबत मसाले डाल के यहाँ पे चिकन का सालन तैयार कर लूंगी और बहुत ज्यादा रेसिपीज में नहीं जाएंगे क्योंकि आजकल है एग्जॉस् के दिन क्योंकि हम लोग होने वाले हैं यहाँ से शिफ्ट कहाँ होने वाले हैं कैसे होने वाले हैं घर कैसा है और पैकिंग कैसी चल रही है मैं सब कुछ पूरी सीरीज़ आपके साथ इन शाला ब्लॉग में शेयर करूँगी और उसके फ़ौर बाद है भाई की शादी और वो भी पूरी सीरीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी लेकिन उसके लिए ज़रूरी कि आप एक दफ़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशनस को ऑन करें ताकि जब हर एक दिन के बाद मेरा ब्लॉग आए तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे अभी घर का फैला फंक्शन है हमारा फर्स्ट टाइम है घर की शादी देखने का और इसकी वजह से हम लोग नर्वस भी हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं कामों का भी प्रेशर है और साथ में शिफ्टिंग का भी एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है लेकिन ये चंद दिनों की बात है घर हम लोगों ने ढूंढ लिया है घर बहुत खूबसूरत है और उसके सामने पार्क है जो कि बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक लगता है और वहाँ जाके भी इंशाल्लाह हम लोग डेली की डेली वॉक किया करेंगे हम लोगों ने बाकायदा प्लान करके रखा हुआ है कि अपनी भाभी के साथ हम लोग जाया करेंगे वॉक किया करेंगे टी टाइम इन्जॉय किया करेंगे और मैं वो भी लवली लवली मोमेंट्स जो 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 मैं आपके के साथ शेयर कर सकी वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अभी फ़िलहाल जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि हम लोगों का फर्नीचर वगैरह सारा कुछ रेडी है शिफ्ट होने के लिए ए सी को उतार के रख लिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी गद्दों वगैरह को सबको तैयार करके रख लिया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी लेकिन वो मैं करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि अभी सब कुछ अंडर प्रोसेस है और नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं स्टार्ट कर दूँगी आपके साथ शेयर करना शिफ्टिंग का प्रोसेस ऐसे शिफ्टिंग का सोच के जहाँ आपको एक्साइटमेंट होती है ना कि न्यू जगह पर जाएंगे नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे वहीं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है इतना सारा कुछ पैक करना इतना बड़ा बड़ा सामान पैक करना और उसको ले जाकर नई जगह पर फिर से उसको सेट करना आपको यहाँ से जाना है यहाँ से भी सफाई करके जानी है आपको न्यू घर में जाना है वहाँ जाके फिर से आप सारा क्लीनिंग प्रोसेस करते हो उसके बाद आपको सामान रखने में एक वीक आराम से चला जाता है उसके बाद आप अपना सामान सेट करते हो फिर आपको कभी कभी ये भी रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ गलत जगह रखी गई है यहाँ सूट नहीं कर रही और आप उसको फिर से रिप्लेस करते हो तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी फेस की हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा टायरिंग है और एक वीक पूरा जो आप ना बिल्कुल आपकी आपकी हालत ख़राब हो जाती है सच में हालत ख़राब हो जाती है आपको उस टाइम को इन्जॉय करने का मौका नहीं मिलता तो हम पहले बड़ा सोचते हैं कि जी वेस्टर्न लोगों की तरह हम लोग काटन्स पैक करके ले जाएंगे लेकिन वो सीन ही नहीं होता है क्योंकि हम लोग हैं पाकिस्तानी हमारी चारपाइयाँ भी हैं हमारी पेटियाँ भी हैं हमारी अलमारियाँ भी हैं किसी का ए है किसी का कूलर है ब, बड़ा बड़ा स्टफ़ होता है आप देख रहे होंगे कि मैंने लेग पीस अलग से फ्राई किया है इसको मैंने मैरीनेट किया हुआ था और वो छोटा कह रहा था कि मुझे फ़्राई करके दे दो तो उसको मैंने मैरिनेट करके जस्ट नमक मिर्च और हल्की सी हल्दी लगा के ना मैंने उसको कट्स लगा के अच्छे से फ्राई कर लिया था और यहाँ पर खाना भी तकरीबन तकरीबन तैयार है और मेरा बड़ा प्रॉब्लम है मैं आटा फ्रीजर में रखा है ना उसको निकालना ही भूल गई और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था वहाँ निकाल के रखा हुआ है ताकि ज़रा हीट में रहकर टेम्परेचर उसका थोड़ा सा नॉर्मल हो तो थो। थोड़ी सी ऊपर से बर्फ़ की लेयर उठे और यहाँ पे फिर मैंने रोटियाँ पकानी शुरू कर दी हैं टाइम हो गया था मगरब का और इसके बाद बस अब एग्जॉस्ट हुए पड़े थे छोटे 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 करके ना काम बहुत ज़्यादा आपको तंग कर देते हैं थका देते हैं मुझे कि थोड़ा टाइम वेस्ट भी हो गया क्योंकि नीचे मकैनिक को बुलाया था थोड़ी सी फिक्सिंग वगैरह करवानी थी और ए सी वगैरह उतरवाना था तो हमें ऊपर जाके बड़ी देर बैठे रहना पड़ा तो काफ़ी टाइम उसकी वजह से भी वेस्ट हो गया कोई एक्टिविटी भी नहीं कर पाए कोई काम पास से वाइंड अप नहीं कर सके लेकिन बहरहाल अब तो रात हो गई है तो उसके बाद अब मैं शेयर करूंगी अपनी बाकी की सारी अपडेट आपके साथ यहाँ तक अगर आपने देख लिया है व्लॉग तो वीडियो को करें लाइक चैनल को कर दें सब्सक्राइब अगर आपने शिफ्टिंग और शादी के व्लॉग की सीरीज़ पूरी देखनी है तो मैं अपनी शॉपिंग भी सारी आपके साथ इन शेयर करूँगी और उसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने अपने हेयर स्टाइल भी डिसाइड कर लिए हैं अपनी मेहंदी का डिज़ाइन भी डिसाइड कर लिए और वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो उसके लिए आपने रहना है मेरे साथ इंगेज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग